हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं रेखा अग्रवाल, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हमारी वैक्स ख़राब हो जाती है तो उसको हम फिर से यूज कैसे कर सकते हैं। तो जब हमारी वैक्स ख़राब हो जाती है तो वो जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो पानी जैसी हो जाती है, और जब हम कहीं पे भी बॉडी में उसको लगाएंगे तो उससे पट्टियाँ हमारी नहीं खींचती हैं। तो आज मैं आपको उसी को ठीक करना बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आज हम ख़राब वैक्स को फिर से ठीक करना सीखेंगे, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी वैक्स जब ख़राब हो जाती है तो कैसी दिखती है। तो ये देखिए, ये हमारी ख़राब वैक्स है। ये देखिए, इस तरह से हो जाती है। अगर हम इसको हाथ में लेंगे तो ये ऐसे, ये चीनी जैसी हो गई है, और इसको गर्म करेंगे तो ये तुरंत अपना पानी छोड़ देगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी। और जो वैक्स ठीक है उसको दिखाती हूँ मैं आपको, वो दिखने में कैसी होती है। तो देखिए, आपको पता ही होगा, जो वैक्स ठीक है तो ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखती है, ट्रांसपेरेंट। और ये दोनों में फ़र्क देखिए आप, ये कैसे ख़राब हो गई है। और ये देखिए, तो ये वाली वैक्स हमारी ठीक है, और इसको हम टच करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सख्त है। तो इसको हम गर्म करेंगे और इसको मैं आपको ठीक करना बताऊंगी किस तरह से हम इसको रीयूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये वैक्स हीटर ले लेंगे और इस वैक्स को हम वैक्स हीटर में डालेंगे। अब हम हीटर को ऑन कर देंगे, वैक्स को डाल लिया हीटर में, और इसको गर्म होने देंगे। तो ये देखिए, वैक्स हमारी मेल्ट होने लग गई है। ये देखिए, वैक्स हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। ये देखिए कितनी पतली वैक्स है, इतनी पतली वैक्स कभी भी लगती भी नहीं है वैसे। तो ये ख़राब थी तो गर्म करते ही बिल्कुल पतली हो गई है, दिखने में तो पहले गाढ़ी थी और जब हमने इसको गर्म किया तो ये इस तरह से पतली हो गई है। और मैं आपको लगा के दिखाती हूँ हाथ पे, इससे कोई भी पट्टियाँ हमारी नहीं खींचेंगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा पाउडर लगा लेंगे। ये देखिए, कोई भी पट्टी हमारी खींची नहीं है। ये देखिए, वैक्स यहाँ पर लगी रह गई है, दिख रही होगी आपको। तो इस ख़राब वैक्स को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको उबाल उबाल कर गाढ़ा करेंगे, और जब हम इसको ऐसे नाइफ पर उठाएंगे तो ये गाढ़ी ही दिखेगी हमें और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए, वैक्स अच्छी तरह से उबलनी शुरू हो गई है, और ये क्वान्टिटी में भी थोड़ी कम हो जाएगी उबल कर, और ये गाढ़ी भी हो जाएगी। हम इसको कैसे चेक करेंगे कि ये गाढ़ी हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहले हम इसको थोड़ा ये चाकू पर ले लेंगे और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये यहाँ पे हमें गाढ़ी गाढ़ी दिखेगी और इसी तरह से गिरेगी नहीं। तो ये देखिए, ये हमारी अब गाढ़ी हो गई है, अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है देखिए। तो अब हम इसका यूज कर सकते हैं। ये देखिए, मैं पैरों पर आपको वैक्स करके दिखाऊंगी। तो अब ये गाड़ी हो गई है तो स्विच ऑफ कर देंगे, और जब भी हम वैक्स पट्टी को यूज करते हैं तो ये देखिए, एक साइड से प्लेन हिस्सा होता है और एक साइड से रफ। तो जो रफ हिस्सा होता है उसकी साइड हम वैक्स लगाकर पट्टी खींचेंगे। ये देखिए, ये देखिए, और इसी पट्टी से मैं बार बार खींच रही हूँ बालों को, हमें पट्टी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, 5-6 बार एक ही पट्टी से हम खींच सकते हैं।
ये देखिए अच्छी तरह से सारे बाल रिमूव हो गए हैं और वैक्स हमारी ठीक हो गई है। तो ये देखिए इसी तरह से हम अपनी खराब हुई वैक्स को ठीक कर फिर से यूज कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।